बड़ा खुश है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैं तो कुकिंग के एक चैप्टर है टीओसी हमारे पास कि पाई कृष्ण अरोरा आप समझ लो टीओसी सब ले आओ, इसमें बहुत बेसिक मेथड है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज मैं आपको टर्म्स समझाऊंगा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट के ट्रांसफर होती है सर, बात ये तीन तरीके होती है। पहला होता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जैसे कोई गैस या कोई हॉट प्लेट है उसके ऊपर हम कुछ ही रख रहे हैं, वो उसमें जो भाप आ रही है ना, समझ रहा बात को, और वो उसमें हीट है, हम क्या बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है इलेक्ट्रिकल या चल जाए सिलेंडर इलेक्ट्रिकल वाला है या आपका गैस वाला ग्रिल है, तो उसमें जो हीट आती है उसको क्या बोलते हैं ट्रांसफर हीट, उसमें क्या बोलेंगे रेडिएशन। तीसरा हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ये माइक्रो ये ओवन है आपका, ये कॉम्बी ओवन क्या होता है, ये आपका होता है कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है जो पंखा लगा होता है ना उसको, उसके आपको कन्वेक्शन बोलते हैं। ये कैसे खाना पकाता है, ये आपका ड्राई मॉइस्चर जो भी है, इसमें हर मेथड है और हमारे पास इस तरीके से तीन तरह के मेथड होते हैं। यही मेथड बाद में अप्लाई हो जाते हैं, अभी तो मैंने आपको तीन मेथड बताइए, देख रहे हो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यही तीन मेथड आपके बाद में काम आते हो, क्या आते हैं मेथड ऑफ कुकिंग में। मेथड ऑफ कुकिंग मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, पर आपको एक बार फिर से शॉर्ट बता दो ताकि आपको ये भी पता चले इसमें क्या होता है। जैसे आपके मेथड कुकिंग में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होता है ड्राई, दूसरा मीडियम ऑफ फैट और तीसरा मीडियम ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, और जो आपका ड्राई में होता है उसमें बेकिंग और ब्रॉयलिंग होती है। बेकिंग क्या होता है, जब आप किसी को बेक करो, जैसे आपका ये बेकरी के जो सामान होता है। ठीक है, ब्रॉयलिंग क्या होता है, जो ड्राई हीट होता है टाइट हीट में उसको वो कर देते, आप मान लो चपाती लो टाइप ऑफ ब्रॉयलिंग हो गई। मीडियम ऑफ फैट में आप आते हैं आपके तीन, रोस्टिंग फ्राइंग और ग्रिलिंग। आपके रोस्टिंग में कैसे आते हैं स्पीड तंदूर ओवन और पॉट। ठीक है, ये आपके रोस्टिंग मेथड में आ गया, अलग तरीके रोस्टिंग होती है। उसके बाद आप आता है ग्रिलिंग, ओपन फायर होता है, एक आपका सेलेमेंडर होता है। फिर आते हैं हम फ्राइंग पे, दो फ्राई होते हैं, डीप फ्राई होता है एक सैलो फ्राई होता है। सैलो फ्राई जैसे चाइनीज वाले टॉस करते हैं कुछ चीजों पे, तो कैसे तो सैलो फ्राई होता है। एग्जाम्पल ले, डीप फ्राई क्या होता है, जैसे आप मान लें समोसा है वो कब समझे डीप फ्राई हो, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा डीप फ्राई, आप समझ रहे बात को। उसके बाद आता हमारा मीडियम और लिक्विड। मीडियम लिक्विड मैंने आपको पहले समझाया, ब्रेजिंग होता है। ब्रेजिंग क्या होता है, दैट इज कंबाइंड मतलब रोस्टिंग एंड स्टीम, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेजिंग। उसके बाद हमारा था स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होता है, जो हम स्लो हीट पे ज्यादा लिक्विड मात्रा से पकाते हैं तो स्टीमिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा स्टीमिंग आता है, स्टीमिंग एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हो ना स्टीमिंग। उसके बाद आता हमारा बॉइलिंग, जैसे आप वेजिटेबल बॉयल कर रहे हो। उसके बाद पोचिंग आता है, पोचिंग पता है जैसे हमने कॉन्टी में एक डिश जाता है पोच एग, तो उसको क्या कहते हैं पोचिंग, मतलब होता है बिलो टू बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग से नीचे जो टेम्परेचर होता है उसको होता है पोचिंग बोलते हैं। तो आज हमको ये समझ आ गया कि मेथड ऑफ कुकिंग में क्या क्या चीज है और ट्रांसफर ऑफ हीट कुकिंग क्या है, जैसे कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन मैंने आपको बताया। और आप ऐसी नॉलेज लेते रहे और एक दिन जो समझाते रहे जो आप सीनियर हो। ठीक है।